हम हर रोज़ अपना टाइम वेस्ट करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग कहीं ना कहीं उस चीज़ को इग्नोर करना चालू कर देता है और हमें एक फॉल्स इल्यूज़न देने का काम करता है कि एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो समय गुजर जाता है तब आपको याद आता है कि नहीं, एक्चुअल में आपके पास में कितना ज़्यादा काम था जो उस टाइम फ्रेम में काम करना था। विद्यार्थी जीवन में इस तरीके की चीज़ें होना काफ़ी आम बात होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप अपने अंदर से पूछते हो तो एक्चुअल में उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप लिमिट कर सकते हो, आप उसको हैंडल कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि ये चीज़ें एक दिन में इम्प्रूव होने वाली है तो ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ समय का अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे चीज़ें वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आनी चालू हो जाती हैं, जिसके हिसाब से आप एक्चुअल में किसी भी टाइम फ्रेम में रहते हुए आप अपने टाइम को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों, टाइम जो होता है वो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। चाहे मैं बात करूँ इलॉन मस्क की, चाहे मैं बात करूँ स्टीव जॉब्स की, वो उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उन्होंने कर्म करा और उसी कर्म के कारण इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी आप आईफोन आईपैड इस लेवल की कुछ भी प्रोडक्ट देख रहे होते हो वो एक्चुअल में उनके कर्म का ही नतीजा होता है। और वो जो उसमें जो कर्म करने की जी मतलब कि एक विंडो होता है, वो विंडो होता है दैट इज़ कॉल्ड टाइम। विदाउट टाइम हम कभी भी कोई चेंज को ही मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कोई भी विद्यार्थी, लेट सपोज अगर कोई विद्यार्थी IIT JEE में अगर टॉपर करता है तो कहीं ना कहीं उसका एक्शन एसोसिएट होता है, लेकिन उस एक्शन एसोसिएट होने के बावजूद भी अनदर फैक्टर आता है, दैट इज़ नथिंग बट अ टाइम। सो टाइम की महत्व काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति का जो टाइम होता है वो आपका यू कैन से दैट कि मतलब कि अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी टाइम के बारे में बात करूं तो मेरी बायोलॉजिकल टाइम पूरी की पूरी डिफरेंट है। मेरा एज अलग तरीके से है, ठीक है। उस तरीके से अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आपका भी एज अलग तरीके से है, ठीक है। आप एजिंग को, समय को, चेंज को, परिवर्तन को नहीं रोक सकते हो। एक्चुअल में टाइम होता क्या है? तो टाइम होता है किसी भी परिवर्तन या फिर किसी भी चेंज को मापने का एक यूनिट होता है, दैट इज़ नथिंग बट अ टाइम, राइट। सो इन दी भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बोला हुआ है कि जो टाइम होता है वो सर्वोपरि होती है, क्योंकि बदलाव जो होता है वो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, राइट। आप उसे जो है वो एक्चुअल में कंट्रोल नहीं कर सकते हो बदलाव को, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड हाउ वी कैन मैनेज आवर टाइम सो इफिशियंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इज़ नथिंग बट यू हैव एक्चुअली एट दिस पॉइंट, ठीक है, आपके पास में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए कि आपको अगले दिन क्या करना चाहिए, राइट। और उससे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप अपने आप से जब सवाल करते हो तब, और वो सवाल है अगले 3 घंटे मैं क्या करके निकालना चाहता हूँ। आप अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या पूछना है आपको, अगले 3 घंटे मैं क्या करके निकालना चाहता हूँ, पिछले 2 घंटे मैंने क्या करके निकाल दिया, और जो मैंने 2 घंटे में करके अपना समय निकाला क्या उसमें जो मैंने एक्टिविटी करा क्या वो एक्टिविटी मेरे गोल से एसोसिएटेड थी या नहीं थी। जो मैंने अभी तक पिछले 2 घंटे में एक्टिविटी करा उसका वर्थ कितना था, उसका प्राइस कितना था, वो कितना इफेक्टिव था जो एक्चुअल में मेरे गोल में कंट्रीब्यूट कर रहा था, मेरे ड्रीम में कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो मैं कुछ काम करना चाह रहा था। अगर आपका जवाब ठीक है आपके गोल से एसोसिएटेड नहीं है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं अपने आप से पूछूं कि मुझे अगले 3 घंटे क्या क्या करके निकालना है, पहली बात है कि मैं कुछ वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, उसको एडिट करने वाला हूँ। अब ये एक्टिविटी मेरे गोल से किस तरीके से एसोसिएटेड है? मेरा जो गोल है एक यूट्यूब के माध्यम से, जो मैं एक अपना गोल डिसाइड कर रहा है वो ये है कि एज मच एज पॉसिबल विद्यार्थियों को हम हेल्प करें, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो आज के समय में इसके बारे में कोई भी व्यक्ति बात नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये एक गोल हो गया। अब इससे मेरी बेनिफिट क्या होगी? मेरी बेनिफिट ये होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास में जो कुछ भी स्पेयर टाइम है, बिकॉज सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है,
तो इसमें अगर मैं वीडियोस बना लेता हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाती है, बोलने का सलीका, बोलने का तरीका भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर मैं यही काम मंडे को भी करूँ तो फिर ये मेरा नुकसान देना चालू हो जाता है, नुकसान देना जो है वो चालू कर देगा, राइट। सो इस तरीके से कोई भी चीज़ एक लिमिट में सही रहता है, अगर वो एक लिमिट पार कर दिए तो उसका आपको नुकसान झेलना पड़ जाता है। सो अगर आपने ये सवाल कर लिया तो उसके बाद में आप लिखिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलूँगा कि जब आप सोते हो उसी समय आप अपने अगले दिन का टू डू लिस्ट बना लो कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो अगेन उसमें एक चीज़ मेंशन मत करना भूलो, दैट इज़ नथिंग बट आपके स्पेयर टाइम, आपके प्लेजर टाइम। वो प्लेजर टाइम आप अपने बौद्धिक क्षमता के हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो, वी हैव नो एनी प्रॉब्लम ऑन दैट पर्टिकुलर केस, बिकॉज दैट इज़ नथिंग बट मोर रिलेटेड टू आपके वो पर्सनल थिंग होती है। लेट सपोज अगर आप पूरे दिन में अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप एक ही स्पीड में गाड़ी चलाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका जो दिमाग होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से, जो आप खाना खाते हो उसके हिसाब से, पूरी तरीके से उसकी वायरिंग, पूरी तरीके से उसका स्पीड, आपकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी घटती है, बढ़ती रहती है। उस चीज़ को मापते हुए अपने हिसाब से आपको अपने कर्म, आपको अपने टू डू लिस्ट को सेट करते हुए आपको अपना कर्म जो है वो करना चाहिए, और कर्म सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और एक्चुअल में कर्म क्या होता है, उस कर्म एसोसिएटेड होता है डिफरेंट चेंजेस, और उस चेंजेस को मापने के लिए आपके पास में समय कंटिन्यूसली बेसिस पे चल रहा है, राइट। सो हमेशा अपने आप से पूछो कि अगले 3 घंटे में क्या करके निकालना चाहता हूँ। अगर आपका ये जवाब है कि नहीं मैं अगले 3 घंटे मूवी देख करके निकालना चाहता हूँ, तो फिर अपने आप से सवाल करो कि अगर मैं मूवी देखना चाहता हूँ तो क्या ये चीज़ मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। कितना कंट्रीब्यूशन वो मूवी देखना कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर मैं बात करूं कि मुझे मूवी देखना है तो मुझे पता है कि ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि मूवी बनाना, जो लोग मूवी बनाते हैं उनका एक खुद का एक बिजनेस होता है। वो आपको, आपके अटेंशन को ग्रैब करके रखते हैं, वो आपके टाइम को आपके जीवन से चुरा लेते हैं, राइट, और आपको पता भी नहीं चलता है। हो सकता है कि आपके पर्सपेक्टिव में, आपके थॉट प्रोसेस में हल्की सी उस मूवी देखने के बाद में शिफ्ट आ जाए, लेकिन एक्चुअल में परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि परिवर्तन डिपेंड करता है आपके अपने कर्म पर, राइट। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली विद्यार्थी होते हुए हमें ये बात समझना पड़ेगा। आज के समय में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। अगर मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ तो ये भी एक बिजनेस का ही पार्ट है, ठीक है। वीडियोस बनाने का मेरा मोटिव है कि पहला तो मोटिव ये है कि टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं अभी व्यूज़ के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर मैं आज ये वीडियोस बना देता हूँ तो हो सकता है 2 से 3 साल बाद को ये कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, राइट। सो इस तरीके से जब चीज़ें काम करती हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाती है। ठीक उसी तरीके से गोल होना, ठीक है ना, गोल के बारे में मैं एक अलग जो है वो वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दोस्तों कि आपको जो है वो समझना पड़ेगा, आपको जो है वो सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप कौन से किस टाइप की एक्टिविटी करना जो है वो चाहते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट आप दुनिया जहान की सारी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, दैट इज़ नथिंग बट योर टाइम, राइट। सो इसके हिसाब से आपको अपने काम करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक चीज़ पर फोकस करो, एक चीज़ को काम करो, एक चीज़ पर काम करो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम करो, उस काम पर स्विच मत करो जल्दी से, और तब देखो तुम्हारे पास में उसका नॉलेज क्या होता है, और तुम एक्चुअल में अगर वो काम करना चालू कर दे तो फिर प्रॉब्लम जो है वो मतलब कि सॉल्व होना चालू हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से आप अपने आप से पूछो कि एक्चुअल में आप अपने 3 घंटे क्या करके निकालना चाहते हो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट दुनिया जहान के आप सारे काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ काम करो, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी आप उसमें सेट करो, और फिर उस काम को कंप्लीट करो, और फिर जो है वो जो कुछ भी आपको करना है आगे करो। और ऑलवेज रिमेंबर दैट टू डू लिस्ट का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ काम काम काम, टू डू लिस्ट का ये भी मतलब होता है कि आप उस टू डू लिस्ट या फिर जो भी टाइम फ्रेम है आप उसमें आप अपने आप को आराम का समय कुछ दो, या फिर वो थोड़ा सा पावर नैप लेना हो सकता है, या फिर वो सोना हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको
पसंद आया हो। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।